कुछ महीने पहले पीसीएस ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के बीच तनातनी का मामला खूब सुर्खियों में आया था। अब कुछ कुछ वैसा ही केस यूपी के झांसी से भी सामने आया है। यहाँ एक युवक अपनी पत्नी के लिए दर दर भटक रहा है। पति की माने तो उसने लव मैरिज की थी और पत्नी को पढ़ाने के लिए मेहनत मजदूरी कर पाई पाई जोड़ी, लेकिन जब पत्नी इम्तिहान निकाल कर लेखपाल बन गई तो उसे छोड़कर चली गई। पत्नी के लिए अब वो पुलिस से लेकर अधिकारियों तक के चक्कर लगा चुका है, लेकिन न्याय नहीं मिल रहा। और जब बुधवार को पत्नी को लेखपाल के पद के लिए नियुक्ति पत्र मिल रहा है ये बात पता चली, तो वो उसे खोजने के लिए वहाँ भी पहुँच गया, लेकिन खाली हाथ लौटा। पीड़ित शख्स झांसी की शहर कोतवाली अंतर्गत अटा का रहने वाला नीरज विश्वकर्मा है। करीब 5 साल पहले झांसी के सत्यकाम कॉलोनी में रहने वाली ऋचा शर्मा से उसकी दोस्ती हुई और उसके बाद दोनों ने करीब 2.5 साल पहले ओरछा के मंदिर में जाकर बाकायदा रीति रिवाजों के साथ शादी कर ली। इसके बाद दोनों घर आए और साथ भी रहने लगे। इस दौरान ऋचा ने बताया कि वो पढ़ना चाहती है और ऋचा को पढ़ाने के लिए ही उससे मेहनत मजदूरी की, लेकिन जब उसकी पत्नी की सरकारी नौकरी यानी कि लेखपाल में चयन हो गया तो फिर उसके रुख बदल गए। लेखपाल के पद पर चयन होने के बाद वो उसे छोड़कर चली गई और तब से लेकर अब तक घर नहीं लौटी है। यहाँ के सर जी, मैं हमारी धर्म पत्नी का आज नियुक्ति पत्र मिलना था लेखपाल का, तो इस चक्कर में हमें पता चला तो हम इसलिए हम चले आए यहाँ पे। तो हमें पता चला कि धर्म पत्नी भी अंदर ही हैं, हमें भाई मुलाकात नहीं हुई उनसे, और 28 जनवरी से हमारे साथ नहीं रह रहे हैं। ठीक, कह रहे कि हमें कुछ शादी नहीं हुई, हमारा बाकायदा राम राजा सरकार हमने शादी की, फकाया फिर मंदिर साथ फेरे लिए, सेक्शन 9 का मुकदमा चला हमारा, उसमें राजीनामा किया, उसके बाद उनके पास थोड़े बहुत प्रूफ थे और वो भी साथ ले गई थी हमारे, हमारे पास सेक्शन 9 की भी डिग्री है, और पुलिस वालों ने विवेचना की थी, तो विवेचना में धर्म पत्नी कहा उन्होंने, धर्म पत्नी है आपकी ये विवेचना में, वो इसलिए ये रहती हैं कि यहाँ पे सोचने लगी तुम कारपेंटर हो, हम लेखपाल बन चुके। हाँ, लेखपाल बनने के बाद, हाँ इनके पास लेटर वो आया था न्यू बॉस से, उससे क्या कहते हैं कि हाँ नियुक्ति पर नहीं, वो उससे लेटर आया इनके पास लेखपाल का ज्वाइनिंग का, तो उस चक्कर में उसी टाइम से गड़बड़ी कर दी माँ बाप के कहने पर अपने कि आप तुम तो लेखपाल बन गए, तुम कहाँ और वो कहाँ। सर हमने अभी मुकदमा दायर किया है सेक्शन 9 का, तो उसमें धर्म पत्नी हमें आती नहीं है। 6 फरवरी 2022 में, तब दो सवा साल शादी हो गए, 3 साल पहले से मुलाकात थी हमारी, पहले दोस्त हुए थे, फिर हम प्यार हुआ हमारी, फिर शादी की हम लोगों ने। हाँ सर हर चीज़ की पढ़ी जी, SDM और DM की तैयारी कर रही थी सर जी, जिनने लेखपाल का इनने पेपर दिया, पहले पेड का पेपर दिया था, पेड आया था, उसके बाद लेखपाल का दिया था इनने। इस मामले में जहां नीरज का कहना है कि पत्नी से किसी प्रकार का संपर्क नहीं हो पा रहा है, हमारा फैमिली कोर्ट में मुकदमा चल रहा है और पत्नी तारीखों पर भी नहीं आ रही, तो दूसरी तरफ पत्नी पक्ष यानी कि लेखपाल पक्ष का बयान अभी तक नहीं आया है। खैर, अब देखते हैं कि दूसरा पक्ष अपनी सफाई में क्या कहता है। NBT ऑनलाइन के लिए झांसी से लक्ष्मी नारायण शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।